गोश्त के साथ साथ मीठा ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ लौकी का हलवा, जो बहुत इजी और क्विक रेसिपी है। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब मज़े में होंगे और खैरियत से होंगे। तो चलते हैं हम अपनी रेसिपी की तरफ, लेकिन रेसिपी पे जाने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और साथ लगे बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, ताकि आगे आने वाली न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन भी आपको मिलती रहे। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ, स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ मैंने ली है लौकी, आधा किलो लौकी ली है और उसके मैंने छिलके उतार लिए हैं। लौकी के छिलके उतारने के बाद दो जो है हम इसको जो है किसी भी ग्रेटर की मदद से इसको ग्रेट कर लेंगे, मीन्स कद्दूकश कर लेंगे इसको अच्छी तरह। किसी भी कद्दूकश से आप कर सकते हैं। ये देखें इस तरह से होगी एक ग्रेट, और इस तरह मैंने पूरी लौकी को ग्रेट कर लिया है। लौकी को ग्रेट करने के बाद हम इसको किसी भी बाउल में पानी के अंदर इसको वॉश कर लेंगे। इसको मैंने पानी में किया और स्ट्रेनर की मदद से इसको पानी इसका स्ट्रेन कर लिया। ये देखें सारा पानी स्ट्रेन हो गया है। अब मैंने ली है एक पतीली और उसके अंदर मैंने लौकी को डाल दिया है। लौकी डालने के बाद यहाँ मेरे पास है एक पाव वाला पैकेट है हलीब का। ये पूरा एक पाव वाला पैकेट मैं लौकी में ऐड कर दूंगी और इसको मिक्स करके फ्लेम ऑन कर देंगे। अब लौकी इसी दूध में जो है वो बॉईल होगी और उसके बाद गल जाएगी। तकरीबन 5 मिनट में ये लौकी गल जाएगी और जब हल्का हल्का से इसमें दूध रह जाए तो आधा कप मैंने ये देखें इसमें चीनी ली है, आधा कप चीनी मैंने इसमें ऐड कर दिए और अब हम इसको मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद थोड़ी देर के लिए हम इसको पकने के लिए छोड़ देंगे। ये देखें जब ये हल्का हल्का सा बिल्कुल इसमें दूध रह गया है, मैंने इसमें तकरीबन 3 से 4 चम्मचों के बराबर घी ऐड किया है और 1 चम्मच मैंने इसमें छोटी इलायची का पाउडर ऐड किया है। यहाँ मैं ऐड कर रही हूँ 10 ड्रॉप्स जो हैं वो ग्रीन फूड कलर के। फूड कलर ऐड करने के बाद हम इसको अच्छी तरह से भून लेंगे। यहाँ हल्का सा फूड कलर मेरा ज़्यादा हो गया है, मगर कोई इशू नहीं है, आप थोड़ा सा और कम कर दीजिएगा। अब मैंने देखें भूनते भूनते मेरी पतीली भी कैसे जल गई है, और मगर मैंने अच्छी तरह इसको भून लिया। और उसमें अब मैंने ऐड किया है खोया, थोड़ा सा खोया ऐड करने के बाद मैंने इसको मिक्स कर लिया और ये हमारा लौकी का हलवा बिल्कुल रेडी है। देखें कितनी जल्दी से झटपट बन जाने वाली रेसिपी है, आप लोग इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और अब मैं इसके ऊपर गार्निशिंग के लिए ड्राई फ्रूट्स ऐड कर रही हूँ, कोई से भी आप ड्राई फ्रूट्स डाल लें। और मैंने यहाँ खोया भी डाला है और बादाम, पिस्ता वगैरह ये सब ऐड किए हैं, और आपकी मर्ज़ी है आप जो ऐड करना चाहें उसमें ऐड कर लें। बहुत झटपट बहुत इजी बनने वाली रेसिपी है। सो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर भी करें, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में भी शेयर करना मत भूलिएगा। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त, दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा।